डियर स्टूडेंट्स, मैं दुर्गाचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, एक्सरसाइज 17 में क्वेश्चन नंबर 9 से बचा हुआ है, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज 17 है, एक्सरसाइज 17, ये क्लास 5 का मैथ है। मैथ ये है, और ऑलरेडी मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसमें क्या बतलाया जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, तो मैं उसी को आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बतला रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 1536। एक चेयर का कीमत है 1536 रुपया। ए कंपनी रिलीज्ड रुपीज इतना, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये बाई सेलिंग चेयर्स इन वन ईयर, एक साल में वो इतने रुपये का चेयर बेचता है, और एक चेयर का कीमत ये है 1536 रुपये। हाउ मैनी चेयर्स वेयर सोल्ड, तो वह कितने चेयर्स को बेचता है, कितने कुर्सियों को बेचता है, तो इस नंबर से इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने चेयर वो बेचता है। तो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये है, इसको डिवाइड करने पर 5309, इतना चेयर्स वो एक साल में बेचता है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, और इसमें क्या कह रहा है, इन वन ईयर, एक साल में, तो एक साल में 365 डेज होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, मतलब 365 डेज में द टोटल सेल ऑफ ए मिल्क डिपोट वाज, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये इतना लीटर दूध बेचता है। एक साल में एक दूध कारखाना जो है वो इतना लीटर्स दूध बेचता है। हाउ मच मिल्क डज इट सेल एवरी डे, तो फिर वो एक दिन में कितना दूध बेचा था। तो अगर इस नंबर को इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि एक दिन में वो कितना लीटर दूध बेचा था। तो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है 3897 लीटर्स, तो इतना दूध वो एक दिन में बेचा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इस नंबर में क्या जोड़ दिया जाए, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 493। इसमें कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि ये इस नंबर से पूरी तरह ये डिवाइड हो जाए, पूरी तरह ये कट जाए, मतलब है कि अभी ये पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए, ऐड किया जाए मतलब ये बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, इसको यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने दूसरे पेज में बना दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का ये सॉल्यूशन, यहाँ पे इसको डिवाइड दिया गया है, और इसमें ये जो है कॉसेंट आया हुआ है, और इसमें ये कंप्लीट कटा नहीं है, इसमें बच गया है, इतना रिमाइंडर बच गया है 210, तो इतना रिमाइंडर बच गया है, तो कैसे पता चलेगा इसमें क्या बढ़ाया जाए, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब देख रहे हैं कि ये जो नंबर है उसमें से इस नंबर को जो रिमाइंडर बचा हुआ है, डिवाइजर में से रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो नंबर आ जाता है जिसको जोड़ने से इस नंबर से ये पूरी तरह कट जाएगा। तो अगर ये नंबर, इतना नंबर इसमें और जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह कट जाएगा। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम लोग छोटा नंबर ले सकते हैं, जब आपके पास कोई ऐसा नंबर है, बड़ा नंबर है जिसको समझने में आपको दिक्कत होता है, तो आप एक छोटा नंबर लीजिए और उसको आसानी से समझिए। सपोज़ यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 ले लेते हैं, 3 एक टेबल ले लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, 17 नंबर ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। 17 को हम लोग जानते हैं कि 3 का टेबल में ये नहीं आता, पूरी तरह से नहीं कटेगा। अब जो है, अब मान लेते हैं कि 17 में कौन सा नंबर ऐड कर दें कि ये पूरी तरह कट जाएगा, जैसे बिल्कुल ये जो बोल रहा है सेम उसी तरह से यहाँ करना है, तो यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। तो 3 से ये कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में, 3 5 जा 15 हो गया, तो ये 15 दे दिए, और ये इसमें रिमाइंडर बच गया 2 रिमाइंडर बच गया। तो अब इसमें क्या हम ऐड करेंगे कि ये पूरी तरह कट जाएगा, तो ऐसे हम जान रहे हैं कि इसमें 1 ऐड करेंगे, 18 अगर रहेगा तो ये पूरी तरह कट जाएगा, तो हम 18 लाएंगे कैसे, ये 3 में से 2 माइनस कर देंगे, यहाँ 1 बढ़ाना हमको, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ऐड करते हैं तो ये पूरी तरह कट जाएगा, तो ये कैसे आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 3 में से ये 2 माइनस कर देते हैं तो 1 आता है, और ये 1 जो है हम इसमें ऐड करते हैं तो पूरी तरह कट जाएगा। तो उसी तरह से इसमें हम माइनस करते हैं तो ये जो नंबर आता है इसको हम अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाएगा इससे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स नियरेस्ट टू, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके नज़दीक का नंबर, इसके सबसे नज़दीक का 2 नंबर ऐसा निकालना है, खोजना है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 915। इस नंबर से ये कट जाए, 2 ऐसा नंबर निकालना है इसके नियरेस्ट में जो कि इससे कट जाए,
इसका मतलब है कि अभी ये नंबर जो है इससे नहीं कट रहा है, यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया हुआ है, ये जो नंबर है इससे नहीं कट रहा है, 971 बार में ये जा रहा है डिवाइड, लेकिन इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है 423। तो अभी मैंने बताया कि एक नंबर तो वो हो जाएगा इसमें जो थोड़ा सा प्लस कर देंगे, तो उसको निकालने के लिए इसमें से इसको जो है माइनस कर देते हैं, यहाँ जो नंबर आएगा उसमें से इसको जोड़ देते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं, इसमें से इतना जोड़ दिए, इसमें जो नंबर मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ था उसमें से इतना नंबर हम जोड़ दिए हैं। तो अब ये नंबर जो हमको मिला है ये पूरी तरह इससे कट जाएगा, एक हो गया। और दूसरा जो है ये जो है इसमें से इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर इस नंबर में से इतना अगर कम रहता तब भी पूरी तरह कट जाता, तो इस नंबर में से जो रिमाइंडर मेरे पास आया है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो वो एक नंबर जो मिला तो ये नंबर भी इससे कट जाएगा। तो इसमें इस तरह से दो नंबर हमको मिल जाता है, एक ये मिल जाता है और एक ये मिल जाता है। तो ये दोनों ही आंसर है, बुक में पहले ये दिया है फिर ये दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी इसको दिखा सकते हैं या दिखा सकते इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये क्वेश्चन नंबर 13 और इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतना बल्ब्स, एक फैक्ट्री में इतना बल्ब्स प्रोड्यूस करता है मतलब बनाता है इन वन ईयर 365 डेज में, वन ईयर मतलब 365 डेज, इतना दिन में इतना बल्ब्स वो तैयार करता है, हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर एक साल में वो इतने बल्ब्स बनाता है तो अगस्त के महीने में उसने कितने बल्ब बनाया, तो कितने बल्ब बनाया यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो एक दिन का निकल जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये नंबर आया, तो ये वन डे का, साल में एक दिन में इतना बल्ब प्रोड्यूस किया, वन डे प्रोड्यूस्ड बल्ब मतलब एक दिन में इतना बल्ब को बनाया कंपनी जो है फैक्ट्री। तो अगस्त हैज़ 31 डेज, अगस्त में 31 दिन होता है, तो एक दिन में इतना, तो 31 डेज में क्या है कि उसको जो है 31 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर आएगा यहाँ पे बल्ब्स का, तो वही नंबर जो है ये अगस्त में वो जो है प्रोड्यूस किया इतना बल्ब्स, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। 14 पे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ गए हैं और यहाँ क्या बता रहा है इसको पढ़ते हैं पहले। ए फार्मर प्रोड्यूस्ड इतना ऑरेंजेस की संख्या दिया हुआ है, इतना ऑरेंजेस ऑफ वन काइंड, एक प्रकार का संतरा इतना जो है प्रोड्यूस उगाता है, एंड इतना ऑरेंजेस फिर दूसरे प्रकार का ऑरेंजेस जो है ऑफ अनदर काइंड, दूसरे प्रकार का ऑरेंजेस संतरा जो है वो इतना उगाता है, दो तरह का संतरा को उगाता है। ही मिक्स दीज ऑरेंजेस एंड पैक्ड इन 296 बॉक्सेस, दोनों ऑरेंजेस को एक जगह वो मिला देता है। अब मिलाने के बाद वह उसको 296 बॉक्सेस में उसको अब पैक करना है। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही पैक इन वन बॉक्स, उसको एक बक्से में कितना ऑरेंजेस डालना होगा, बराबर बराबर डालना है, तो कितने मतलब एक बॉक्स में कितना ऑरेंजेस आएगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस दोनों ऑरेंजेस को मिला दिया गया है, यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, तो प्लस करने के बाद टोटल ऑरेंजेस जो है वो ये आ गया। अब बॉक्सेस, उसके पास बॉक्स है 296, तो एक बॉक्स में कितना ऑरेंजेस आएगा, तो 296 से ये जो नंबर हमको मिला है ये नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा उतना ही ऑरेंजेस एक बॉक्स में आएगा, तो यहाँ 380 ऑरेंजेस नंबर आ रहा है, तो ये एक बॉक्स में इतना ऑरेंजेस आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब 15 में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से इसको पढ़ के और समझना होगा पहले। ए फ्रूट सेलर बाउट इतना बनानाज, यहाँ एक फल बेचने वाला जो है वो इतना केला खरीदता है, ये जो नंबर दिया हुआ है। इफ 103 बनानाज वेयर फाउंड रोटेन, उसमें से अगर 103 केला जो है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, एंड द रिमेनिंग और जो बचा हुआ है वेयर पैक्ड इन 529 बास्केट, अब उसको 529 बास्केट या बॉक्स में उसको पैक करना है। फाइंड द नंबर ऑफ बनानाज इन ईच बास्केट, तो फिर एक बास्केट में कितना केला आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन में नंबर ऑफ रिमेनिंग बनानाज। अब रिमेनिंग मतलब जो है पहले तो इतना सड़ गया है तो इसको निकाल देते हैं, तो जो मेरे पास पहले जो जितना वो बनाना खरीदता है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं 103, तो अब मेरे पास ये बच गया, तो इतना बनानाज अभी बचा हुआ है, ये इतना बनानाज बचा हुआ है पैक्ड इन वन बास्केट, एक बास्केट में उसको पैक करना है, तो एक बास्केट में कितना केला आएगा, तो यहाँ पे बास्केट की संख्या 529 है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं ये जो नंबर मिला है, तो इसको डिवाइड करने पर 2818 बनानाज, एक टोकरी में इतना केला पैक करना होगा तभी जो है सारे टोकरी में इक्वली फुल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। रविंदर सोल्ड 325 रेफ्रिजरेटर
एट रुपीज, इतना जो नंबर दिया हुआ है इतना रुपया में वो इच, मतलब एक ठो एक का कीमत जो है, एक रेफ्रिजरेटर का कीमत इतना है 18,925, और वो जो है 325 रेफ्रिजरेटर्स को बेचता है। फ्रॉम दिस मनी ही बाउट 125 टीवी सेट्स। अब वो बेचने के बाद 325 रेफ्रिजरेटर बेचने के बाद उसको जितना भी पैसा मिलता है उस पैसे से वो 125 टीवी खरीद लेता है। फाइंड द प्राइस ऑफ इच टीवी सेट, तो फिर एक टीवी का कीमत क्या पड़ता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है अर्न मनी फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को बेचकर ये जो पैसा कितना कमाता है। तो यहाँ पे इसको और इसको जो रेफ्रिजरेटर का नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देने पर हमको पता चल जाएगा कि इतना रुपया वो रेफ्रिजरेटर बेचकर कमाता है। ये इतना हो गया। अब कॉस्ट ऑफ वन टीवी सेट, तो वो टीवी सेट जो 125 खरीदता है तो एक टीवी सेट का कीमत क्या होगा। तो टीवी सेट का जो नंबर है 125 उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को तो हमको जितना नंबर प्राप्त होता है वो एक टीवी का कीमत निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक टीवी सेट का कीमत आ गया है 49,205। तो ये हो जाएगा एक टीवी का कीमत, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम 17 में आएंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। एम एन सोल्ड 2,568 गोट्स, एक आदमी जो है इतना बकरियों को एट 569 इच, एक बकरी को 569 रुपये में वो बेचता है और उसके पास इतना सारा बकरी है 2,568 बकरी है और एक बकरी का कीमत 569 रुपया है। विथ दिस मनी ही बाउट वन मोटरसाइकिल फॉर 66,792। अब उससे जो वो पैसा अर्न किया उसमें से एक वो मोटरसाइकिल खरीद लेता है जिसका कीमत इतना है, एक मोटरसाइकिल, ये हो गया। एंड सम शिप, और कुछ भेड़ खरीद लेता है, बकरियों को बेचकर वो भेड़ खरीद लेता है। इफ़ द प्राइस ऑफ वन शिप इज 840, अगर एक भेड़ का कीमत 840 रुपया है, हाउ मेनी शिप डिड ही बाय, तो फिर उसने कितने शिप खरीद लिए जो उसके पास पैसा बचा हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ देखते हैं, अर्न मनी फ्रॉम गॉड्स, गॉड्स को मतलब बकरियों को बेचकर उसने कितने पैसे कमाए। तो बकरियों की संख्या और एक बकरी का कीमत इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे वो जितना पैसा बेचकर कमाया ये आ जाता है। ही बाउट वन मोटरसाइकिल, अब इतना रुपया में से वह इतना का एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है। तो रिमेनिंग मनी, अब मोटरसाइकिल खरीद लेता है तो वो पैसा खर्च हो गया तो उसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो इतना बच गया, मोटरसाइकिल का पैसा जो है वो निकल गया। अब इतना पैसा उसके पास बचा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ ईच शिप, एक शिप का कीमत 840 रुपया है, नंबर ऑफ शिप, तो जितने शिप्स वो खरीदता है उसका नंबर हमको इस प्रकार से मिल जाएगा। जो पैसा अब उसके पास बचा हुआ है और एक शिप का जो कीमत है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है इतना शिप वो खरीदता है, 1660 शिप खरीदता है। यहाँ पे डिवाइड करके मैंने नहीं दिखाया है और इसमें जगह नहीं है, लेकिन मैं दूसरे पेज में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्यूशन जो डिवाइड करके वहाँ पे नहीं दिखा पाए थे ये है, उसका डिवीजन यहाँ पे इस तरह से होगा, 840 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1660 आएगा, तो 1660 शिप हो जाएगा। तो ये 1660 शिप यहाँ पे दिखाया गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज 17 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।